Hello everyone, welcome to Cosmic English Academy. Today we are going to discuss the syllabus of class 12 2024 to 2025. So we have three sections in this syllabus: section A, section B and section C. Section A deals with the reading skills, section B deals with the creative writing skills and literature textbook and supplementary reading text. So for the marks division, section A has 22 marks and section B has 18 marks and section C has 40 marks. So section A में आपको unseen passages आएंगे, दो unseen passages पढ़ना है आपको. एक unseen passage आपको factual, descriptive और literary ये आपको करना है. unseen passage 2 में आपको case based factual passage करना है. ओके, एंड सेक्शन बी में आपको क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स करना है. जैसे क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स में आपको नोटिस लिखना है 50 वर्ड्स का, जो आपके 4 मार्क्स के रहेंगे. और वो मार्क्स कहाँ कहाँ रहेंगे? फॉर्मेट पे, कंटेंट पे, एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर, इसमें आपको मार्क्स डिविजन है ये. ओके, नंबर 4 आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल इन्विटेशन एंड रिप्लाई अप टू 50 वर्ड्स. 50 वर्ड का आपको फॉर्मल या इनफॉर्मल इन्विटेशन एंड रिप्लाई लिखना है, जो आपके 4 मार्क्स का ही रहने वाला है. एंड देन आपको लेटर बेस्ड ऑन वर्बल और विजुअल इनपुट, जो आपको 120 से लेके 150 वर्ड्स तक का लिखना है. आपको एक लेटर लिखना है किस चीज़ पर, या तो हो सकता है वर्बल या फिर आपको विजुअल इनपुट. आपको कोई विजुअल देंगे और उस पर आपको क्या लिखना है, लेटर लिखना है. द टाइप्स ऑफ लेटर इंक्लूड जॉब एप्लीकेशन, लेटर टू एडिटर. ओके, और आपको इस विजुअल और वर्बल के अंदर आपको एप्लीकेशन क्या क्या हो सकता है. एप्लीकेशन फॉर जॉब, आप जॉब के लिए एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, किसी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो. इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर जॉब, देन यू मस्ट राइट अ लेटर विद बायोडाटा, रेज्यूमे. ये आपको क्लास में सिखाया जाएगा कि कैसे लिखते हैं ये. एंड साथ ही साथ आपको न्यूज़पेपर के एडिटर को भी लिखने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, और उसे हम कहेंगे लेटर टू द एडिटर, जो आपके 5 मार्क्स का रहने वाला है. एंड लास्टली आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल इन नेचर, जो आपको हो सकता है डिस्क्रिप्टिव हो, किसी चीज़ के बारे में वर्णन करने वाला, डिस्क्राइब करने वाला, या एनालिटिकल, जो इसका नेचर ऐसा रह सकता है, रहेगा, इसका नेचर ऐसा रहेगा, जो आपका 5 मार्क्स का होने वाला है. एंड लेट्स मूव टू सेक्शन सी, जहाँ पे आपको लिटरेचर पोर्शन है, जो 2 बुक्स रहेंगे आपका फ्लेमिंगो एंड बिस्टास. फ्लेमिंगो में आपको 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन जहाँ पे एक्स्ट्रा आएंगे, और 4 मार्क्स वाला आपका बिस्टास से आएंगे एक्स्ट्रैक्ट. एक्सट्रैक्ट्स आप लोग जानते हैं, जो एक पोइट्री, अगर पोइट्री से आ रहा है तो पोइट्री का एक 2-3 लाइन उठाया जाएगा और उस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसे हम एक्स्ट्रैक्ट कहते हैं. 2 आएंगे फ्लेमिंगो से और उसमें 1 करना है आपको, और बिस्टास बुक से आपका 2 आएंगे ऐसे ही एक्स्ट्रैक्ट और उसमें 1 करना है. ओके, ये है आपका प्रोज पर. एक और एक्स्ट्रैक्ट आएंगे फ्लेमिंगो से, जो रहेंगे आपके प्रोज से ही, फ्लेमिंगो से प्रोज से ही रहेंगे, जो आपको 2 एक्सट्रैक्ट में से 1 एक्सट्रैक्ट करना है. एंड नंबर 10 पर है फ्लेमिंगो बुक, प्रोज एंड पोइट्री दोनों मिला के आएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, जो आपका 10 मार्क्स का रहने वाला है. एंड अगेन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन प्रोज भिस्टास से आएंगे, जो आपका 4 मार्क्स का रहेंगे, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन प्रोज और पोइट्री दोनों से आएंगे फ्लेमिंगो बुक से, जो आपका 5 मार्क्स का रहेंगे, और भिस्टास से भी 1 आएंगे और वो 5 मार्क्स का रहेंगे. चलिए सीधा आगे चलते हैं कि कौन सा बुक में कौन सा चैप्टर पढ़ना है. ठीक है, आपका 2 बुक्स रहेंगे, ऑब्वियसली यू नो अबाउट दैट, क्या क्या रहेंगे वो बुक्स, फ्लेमिंगो एंड भिस्टास. चलिए, तो प्रिस्क्राइब बुक्स आपका क्या क्या रहेंगे, फ्लेमिंगो एंड भिस्टास, और इसमें फ्लेमिंगो में आपको प्रोज में क्या क्या पढ़ना है. द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, ठीक है, और उसके बाद द रैट ट्रैप, इंडिगो, पोइट एंड पेनकेक्स, द इंटरव्यू, गोइंग प्लेसेस. पोइट्री में पढ़ना है आपको मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, थिंग्स ऑफ ब्यूटी, रोड साइड स्टैंड, और एंट जेनिफर्स टाइगर, ये भी पढ़ना है. भिस्टास बुक से आपको क्या पढ़ना है,
या थर्ड लेबल द टाइगर किंग जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ द एनिमी चाइल्डहुड ऑन द फेस ऑफ मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर वी टू आर ह्यूमन बींग्स से भी पढ़ना है आपको. और उसके बाद आपको 5 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट होगा जो 20 मार्क्स का रहेंगे. और उसमें आपका क्या क्या रहेंगे इंटरनल असेसमेंट के अंदर 5 मार्क्स का आपका लिसनिंग स्किल का होगा, असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग स्किल का वो 5 मार्क्स रहेंगे. और उसके बाद प्रोजेक्ट वर्क आपको 10 मार्क्स का करना है. ओके, इतना ही है आप लोगों का सिलेबस क्लास 12. अच्छे से पढ़ाई करिए. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.